दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार हमारी ओर से। हम अभी हैं DLM खनन हल्द्वानी प्रभाग ऑफिस में, और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं जो प्रवासी मजदूर गोला में काम करने आए हुए हैं। यहाँ नदी में काम कर रहे हैं जो प्रवासी मजदूर, उनकी जो भी निगम और सरकार के द्वारा प्रावधानों के अंतर्गत उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें जलौनी लकड़ी, कुछ दवाइयाँ और उसके साथ में कंबल, और उनको जो काम करने के लिए किटें दी जाती हैं वहाँ पर, उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए बड़े भाई राजेंद्र बिष्टी के साथ। दिया है कि एक माह पूर्व लगभग हो रहा है गोला का खुले हुए सीस महल गेट को, और अभी तक वहाँ गरीबों को, मजदूरों को जो हर साल कंबल बांटे जाते हैं जाड़ों में, वो अब तक नहीं बांटे हैं, और ना ही जलौनों की लकड़ी जो बांटी जाती है वो भी नहीं बांटी गई, ना दवाई बांटी गई, ना उनका आज तक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। तो आज हम ये मांग कर रहे हैं गोला संघर्ष समिति की ओर से कि आप उन लोगों को लकड़ी, जो लेबर अभी तक आ चुकी है, उनको कम से कम कंबल वितरण किया जाए और जलाने की लकड़ी भी बांटी जाए जिससे वो ठंड से बच सके। और ये हम आपको DLM साहब के नाम में ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्द उन लोगों को उनकी जो सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है, निगम द्वारा दी जाए, वो दी जाए। तो ये थे हमारे बड़े भाई राजेंद्र बिष्टी जी, जिन्होंने अपने लेबर के हितों के बारे में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। DLM साहब तो नहीं मिले, ज्ञापन मुख्य प्रधानाधिकारी हमारे ED जोशी जी को सौंपा गया है, जो जिसमें इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर पूर्ण रूप से इसका समाधान किया जाएगा। यहाँ पर लेबर के हितों की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रवासी मजदूर हैं जो हम ही लोग वाहन स्वामियों पर डिपेंडेंट हैं, और आए हुए हम ही लोगों के बुलाने पर, तो उनका ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसी वजह से सभी हम लोग यहाँ पे मिलकर आए हुए और हैं। जोशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? और कुछ ना, सॉरी, मेरा ये मानना है कि जहाँ सरकार एक और गरीबों की बात कर रही है, हम सरकार से कहते हैं कि इतना समय हो गया, अभी ठंड चरम पर है, जब ठंड बढ़ी है उसी टाइम कम्बल वितरण कर देना चाहिए, चाहे लेबर कितनी आई है, जो बाद में आएगी उन्हें बाद में बांट दिया जाए, जो अभी ठंड में लेबर गोला में काम कर रही है उनको कंबल वितरण किया जाए। और विभाग कभी मार्च में बांटता है, कभी अप्रैल में कंबल बांटता है, लेकिन हम सरकार से और निगम से वार्ता करना है कि उन्हें शीघ्र बांटे जाए, और जो जलाने की लकड़ी विभाग बांटता है उसे बांटी जाए, क्योंकि इतनी ठंड हो रही, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेबर गोला में काम कर रही है, वो भी इंसान है, उन पर सरकार और निगम मेहरबान हो और उनका जो हक की लकड़ी उन्हें मिलती है उन्हें दी जाए, उन्हें जो ग्लव्स दिए जाते हैं वो दिए जाए, और दवाई जो बांटी जाती है वो भी दिया जाए। सरकार इस ओर भी ध्यान दे ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई आवाज नहीं उठाता। हम लोग हर साल इनके लिए आवाज उठाते हैं, और इस बार भी हम आए हैं कि सरकार से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उन तक पहुंचने वाली सुविधा को शीघ्र से शीघ्र पहुंचाया जाए। और यहाँ पर हमारे साथ जो हमारे खनन व्यवसायी हैं, लोसाली जी, तारा गोरंगा जी, ये बीच जियावला चौकी गेट से, हरीश बाकुनी और एक और हमारे मित्र हैं जो यहाँ पर हमारे साथ, सभी लोग साथ में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है।